हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड, एपिसोड 161। समर्थ आया बच्चों से मिलने। अब तक आपने सुना कि निया को आदेश की हैकिंग के बारे में पता चल जाता है, उसके बाद तीनों बच्चे मिलकर निया के अजीब बिहेव के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब आगे कुछ देर सोचने के बाद अचानक आदेश को कुछ याद आया और उसने कहा, मैंने मोम की मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी थी, उसके हिसाब से तो मोम बिल्कुल ठीक है और तुम्हारी फिर बात बिल्कुल बेकार है। तभी अचानक अथर्व ने पूछा, भाई आशिका, आप लोगों को भी अजीब नहीं लगता कि मॉम अचानक से हमें खुद से दूर भेज रही है? हाँ, ये भी अजीब है, आदेश ने कहा। और क्यों ना हम इस बारे में डैड के पास जाकर पूछे, इस बारे में उन्हें पक्का कुछ पता हो। आशिका की बात सुनकर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अथर्व ने कहा, शायद यही काम कर जाएगा। ओके, उनसे जवाब निकलवाने की कोशिश करो, मगर सीधे सीधे कुछ मत बोलना। डोंट वरी, मुझे पता है कि कैसे करना है। और हाँ, उन्हें ये भी मत बताना कि मोम के मन में उनके लिए फीलिंग्स है, और वरना यह खबर उन्हें पागल कर देगी, आदेश ने उन्हें याद दिलाया। आशिका तो सीधा देखने लगी, उसकी आंखों में जो चमक थी उससे साफ पता चल रहा था कि वह सारी बात सिद्धार्थ को बता देती अगर आदेश ने उसे रोका नहीं होता तो। लेकिन फिर भी वह अपने मन में दूसरे ऑप्शन सोच रही थी कि शायद किसी और तरीके से वह सिद्धार्थ को बता पाए। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके भाई उसे घूर रहे, तो इसलिए उसने धीरे से कहा, ओके, मैं कुछ नहीं कहूंगी। आदेश ने हमें सर हिलाया और कहा, क्या मोम उठ गई है? वो उठकर काम पर भी चली गई है, इनफैक्ट कुछ देर में तो घर भी आ जाएंगी। आदेश ने हैरानी से पूछा, मोम पूरी रात नहीं सोई उसके बाद भी वह उठकर काम पर चली गई? आशिका ने हमें सर हिलाया तो आदेश ने कहा, मुझे पता था टैलेंटेड लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है परफेक्ट बनने के लिए। इतना कहकर वह दोबारा बेड पर लेट गया, उसे और सोना था। तभी अथर्व ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या आपने मॉम को बता दिया कि हम ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हैं? उसकी बात सुनते ही आदेश ने झट से अपनी आंखें खोली और अथर्व की तरफ देखा, वह तो इस बारे में पूरी तरह भूल ही गया था। क्या आपने नहीं बताया, मेरे दिमाग से निकल गया, आदेश ने सच्चाई से जवाब दिया। कुछ देर तक सोचने के बाद अथर्व ने कहा, ठीक ही है, एटलीस्ट मॉम को हमारा सबसे बड़ा सीक्रेट पता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब उन्हें इस पूरी सच्चाई के बारे में पता चलेगा फ्यूचर में तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा। बाय द वे, तुम लोगों ने सचमुच सोच लिया है क्या? तुम लोग श्योर हो कि तुम लोग ट्रेनिंग पर जाना चाहोगे? आदेश ने पूछा, क्या आपको मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसा इंसान है जो आसानी से अपना मन बदल दे? अथर्व ने कहा। वो इस बारे में बिल्कुल सही था, तीनों बच्चों में अपने डिसीजन को लेकर सबसे ज्यादा जिद्दी वही था, आदेश से भी ज्यादा। आदेश ने अथर्व के हाथ को देखा और अचानक उसे याद आ गया कि जब आशिका गुम हुई तो क्या हुआ था, इसलिए उसने कहा, भले यह मैंने मॉम को यह नहीं बताया हो कि हम ट्रेनिंग पर जाना चाहते हैं, लेकिन मैंने उन्हें यह जरूर बता दिया है कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, इसलिए मुझे यकीन है कि वह इस बात का सपोर्ट पूरी तरह से करते रहेंगी। और इसके अलावा हम मोम को बहुत अच्छे से जानते हैं, उस तरह की औरत नहीं है जो जबरदस्ती अपने बच्चों को अपने साथ रखे, वह बहुत सपोर्टिव है, हम जो करना चाहे वह कर सकते हैं। उसकी इस बात पर अथर्व ने भी हामी भरी, जब से वो लोग छोटे थे तब से निया ने उन्हें अपने मन की हर चीज करने की आज़ादी दे दी थी, उन्हें हर चीज करने की आज़ादी दी थी ताकि उसके बच्चे हमेशा से इंडिपेंडेंट हो और अपनी डिसीजन खुद ले सके। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह हमें रोकेंगी, मुझे इस बात की चिंता है कि वह हमें दूर जाता देख वो दुखी ना हो जाएं, अथर्व ने कहा। ये वह बात है जिससे वह लोग इनकार नहीं कर सकते थे। हाँ, ये बुरी बात है, मगर इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम हमेशा मोम के साथ नहीं रह सकते, आदेश ने जवाब दिया। अथर्व ने उसकी तरफ देखा मगर कुछ कहा नहीं। आशिका जो साइड में फोन चला रही थी और उसने उन दोनों की बातों को पर कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसने अभी तक ये डिसाइड ही नहीं किया था कि वह जाना चाहती है या नहीं, इसलिए वह चुप रही, उसे अभी डिसाइड करने के लिए और टाइम चाहिए था। अथर्व ने पूछा, भाई क्या अमर को पता है कि आप मॉम के बेटे हो? आदेश ने अपने सर हिलाया और जवाब दिया, नहीं मैंने उसे नहीं बताया, मैंने बस इतना कहा कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मॉम की असली आइडेंटिटी जानना चाहते थे लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं अमर को बता नहीं पाया, जबकि मैं जानता हूँ कि अमर भी उन्हीं लोगों में से एक है। कुछ देर सोचने के बाद अथर्व ने हाँ में सर हिलाया और कहा, मैं समझ गया, ये मैटर बिल्कुल से मिलता जुलता था, जैसे उन्होंने अपनी आइडेंटिटीज छुपा कर रखी थी। तभी अथर्व ने कहा, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से अमर की पर्सनैलिटी है वह इस वक्त पक्का ये सोच रहा होगा कि आप और क्विन अलीशा एक दूसरे को कैसे जानते हैं, उसका कारण पता लगाया जाए, ट्राई कर सकता है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि वह ऑलरेडी ट्राई कर चुका होगा, लेकिन मैं उसे वह पता नहीं चलने दूंगा जो वह चाहता है, आदेश ने मुस्कुरा कर कहा।
अथर्व ने मुस्कुराकर कहा, आप उसका दिमाग खराब करोगे। हाँ बिल्कुल, वह डिजर्व करता है, वही था जिसने मुझे और मोम को अचानक से कंपटीशन में फंसा दिया। मैं लकी हूँ कि सच्चाई पता चलने के बाद भी मोम ज्यादा गुस्सा नहीं किया, अगर गुस्सा हो जाती तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं करता क्या। इसलिए इसी तरीके से मैं अमर को सजा दूंगा। कंपटीशन के बारे में सोचते हुए अथर्व ने पूछा, क्या आप हार गए या फिर अपने मोम को जानबूझकर जीतने दिया, तुम्हें क्या लगता है, आदेश ने पूछा। अथर्व आदेश की आंखों में सच्चाई देख रहा था। ठीक उसी वक्त आशिका ने अपने फोन से अपना ध्यान हटाया और उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, समर्थन कल घर के बाहर आए हैं और वह मुझसे मिलना चाहते हैं। उसकी बात सुनते ही आदेश और अथर्व दोनों उसकी तरफ देखने लगे। अथर्व ने पूछा, क्या वह बाहर है? आशिका ने हाँ में सर हिलाया और फिर समर्थ की तरफ से आया हुआ मैसेज उन दोनों को दिखाया। मैसेज देखने के बाद आदेश ने कहा, मैंने सुना था मोम के मुंह से कि समर्थ अंकल और टीना पिछले कुछ दिनों में एक दूसरे के काफी करीब थे, शायद मेरा अंदाजा अगर सही हो तो उन्हें पता होगा कि टीना ने क्या किया था और शायद इसीलिए वह यहाँ आए हैं। क्या आपको लगता है कि समर्थ अंकल इन सब में इन्वॉल्व थे, जो कुछ भी आशिका के साथ हुआ था? अथर्व ने पूछा। भले ही वो डैड को नापसंद करते हैं मगर मॉम को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वह आशिका के साथ कुछ गलत करेंगे, आदेश ने कहा। तो क्या मैं उनसे जाकर मिल सकती हूँ, आशिका ने पूछा। मिलना चाहती हो, आदेश ने पूछा। थोड़ी देर सोचने के बाद आशिका ने कहा, मुझे जानना है कि वह क्यों आए हैं। ठीक है फिर तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, आदेश ने कहा और बेड से नीचे उतर गया। मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा, अथर्व ने भी कहा। आशिका ने अपने दोनों बड़े भाइयों को देखा और हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद तीनों एक साथ घर के बाहर निकल गए। बाहर समर्थ आराम से गाड़ी के सहारे खड़ा होकर उनका इंतजार कर रहा था। जब उसने तीनों बच्चों को बाहर आते हुए देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई और उन्हें देखकर मुस्कुराते हाथ हिलाने लगा। आदेश, अथर्व, आशिका, कितना टाइम हो गया? हाँ बिल्कुल, सब ने जवाब दिया। तभी आशिका समर्थ के सामने आई और ग्रीट करते हुए कहा, हेलो अंकल, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? एक सिंपल सा अंकल शब्द समर्थ को यह फील कराने के लिए काफी था कि शायद बच्चों से उसका रिश्ता नहीं टूटा है। वह नीचे झुका और उसने आशिका को देखते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने मुझे बताया था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें देखने आया था। तुम कैसा फील कर रही हो? क्या तुम्हें कोई चोट लगी है? और क्या तुम पहले से बेहतर हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखिए, आशिका ने जवाब दिया। समर्थ ने उसे देखा और उसे अच्छे से चेक करने के बाद पीछे मुड़कर उसने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला। जैसे वह अपनी गाड़ी की सीट से कुछ निकालने वाला था, उसने अपनी गाड़ी की बेडशीट से एक काफी महंगी और लिमिटेड एडिशन डॉल निकाली और आशिका को देते हुए बोला, एंड सॉरी आशिका, तुम्हारे साथ जो हुआ उसके बारे में मुझे बाद में पता चला, इसलिए मैं तुमसे मिलने पहले नहीं आ पाया, ये लो तुम्हारे लिए। आशिका हैरान होकर उस डॉल को देखी जा रही थी। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया? मुझे याद था कि तुमने एक बार कहा था कि तुम्हें बहुत पसंद है, इसलिए मैंने खास करके अपने दोस्त से दूसरे देश से मंगवाया है, समर्थ ने कहा। आशिका ने अपनी नजरें डोल से हटाए और फिर कहा, ऐसी बात नहीं है, मुझे बहुत पसंद आया, बात यह है कि मेरे पास ऑलरेडी एक ऐसी है, डैड ने मुझे दिया था। सिद्धार्थ के नाम से ही समर्थ के चेहरे की स्माइल गायब हो गई और आशिका की तरफ देखने का उसका नजरिया थोड़ा अलग हो गया। आशिका ने माफी मांगते हुए कहा, आई एम सो सॉरी अंकल। ये सुनकर समर्थ होश में आया, उसने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, मुझे इस बारे में पता नहीं था, तुम बताओ तुम्हें और क्या पसंद है, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा, कोई जरूरत नहीं है। अंकल, मोम हमेशा कहती है कि लोग गिफ्ट से ज्यादा लोगों की इमोशंस मायने रखते हैं और आप कितने अच्छे हैं, मुझसे मिलने आए हैं, इसलिए आपको कोई चीज खरीदने की जरूरत नहीं है, आशिका ने बहुत ही पोलाइट होकर कहा। समर्थ उसकी तरफ देखने लगा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे आशिका उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रही है, वह पहले की तरह नहीं रह गई जो उसके आसपास घूमती रहती थी। इसके बारे में सोचते ही वह धीरे से बोला, आशिका क्या अब हम भी अलग हो जाने वाले हैं? आशिका ने उसकी आंखों में देखा और कुछ देर के लिए उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या कहना है। तभी आदेश आगे आया और उसने कहा, अंकल क्या आप आज सिर्फ आशिका से मिलने आए हैं? आदेश की आवाज सुनकर समर्थ ने आदेश की तरफ देखा। एक छोटा सा चेहरा जो बिल्कुल सिद्धार्थ की तरह दिखता था, उसने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल, क्या इसमें कुछ गलत है? नहीं नहीं, बस मैंने आपको और टीना को उस टाइम कुछ बार एक साथ देखा था तो मुझे लगा कि आप दोनों दोस्त हैं, इसलिए मैं थोड़ा क्रियस हो गया था और आपसे पूछना चाहता था, आदेश ने जवाब दिया। आदेश की बातें सुनकर समर्थ उसे ध्यान से देखने लगा, ऐसा लग रहा था कि आदेश की बातों में कोई छुपा हुआ मतलब है, लेकिन अपने सर को झटक दिया और उसने पूछा, तुमने हम दोनों को एक साथ कब देखा और कहां?
मैं कैब में था और जब वहाँ से जा रहा था तो एक बार के एड्रेनस पर आप दोनों को देखा था। फिर उसने इनोसेंट मुस्कान के साथ कहा, अंकल मैं आपको वोन कर रहा हूँ, वह अच्छी नहीं है तो इसलिए आप उसके पास मत जाएगा वरना वह आपको भी नुकसान पहुँचा सकती है। समर्थ ने उसकी तरफ देखा और कहा, हम 2-3 बार इत्तेफाक से मिल गए थे इसलिए वह मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकती। आदेश ने मुस्कुरा कर कहा, तो ऐसी बात है, आज के लिए बस इतना ही, आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए स्टोरी का अगला एपिसोड। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एपिसोड 162 अनटाइटल्ड चैप्टर। अब तक आपने सुना कि जब तीनों बच्चे आपस में बात कर ही रहे होते हैं तो आशिका उन्हें बताती है कि समर्थ उससे मिलने घर के बाहर आया है। कुछ सोचकर तीनों बच्चे समर्थ से मिलने के लिए बाहर आते हैं। अब आगे आदेश का जवाब सुनकर भी समर्थ उसके ऊपर से अपने नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आदेश बहुत कुछ जानता है। ठीक उसी समय कुछ दूरी पर ही दूसरी कार आकर रुकी और गाड़ी में से निया और सिद्धार्थ उतरकर बाहर आए। जैसे ही आदेश ने उन दोनों को वहाँ देखा उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने मुस्कुराकर पूछा, मॉम डैड आप लोग आ गए। सिद्धार्थ और निया गाड़ी से उतरे ही थे जब उन्होंने आदेश के मुंह से डैडी सब सुना तो दोनों हैरान हो गए। वह कंफ्यूज होकर अपने बेटे को देखने लगे। उनके बेटे ने अचानक से डैडी कहा। सिद्धार्थ सोच ही रहा था कि यह सब हो क्या रहा है, तभी उसने देखा कि आदेश उनकी तरफ मुस्कुरा कर दौड़ते हुए आ रहा है, लेकिन आदेश आंखों से किसी दूसरी तरफ देखने का इशारा कर रहा था। सिद्धार्थ ने उसकी आंखों का इशारा समझा और बगल में देखा तो वहां समर्थ खड़ा था। तब जाकर उसे समझ में आया कि आदेश क्या कहना चाहता है। सिद्धार्थ मुस्कुराया और जल्दी से आगे बढ़ गया। डैड मोम, आशिका ने उन्हें ग्रीट किया, दौड़ के उनके पास चली गई। उसकी आंखों में जो चमक थी वह नकली बिल्कुल नहीं थी। सिद्धार्थ ने प्यार से उसका सर सहलाया और निया ने आशिका को अपनी गोद में उठा लिया। सिद्धार्थ को देखकर समर्थ की आंखें डार्क हो गई थी। ठीक उसी वक्त सिद्धार्थ ने समर्थ की तरफ देखकर कहा, हेलो मिस्टर खुराना, क्या इत्तेफाक है, हम फिर से मिल गए। समर्थ ने सिद्धार्थ को घूर कर देखा और अपने दांत पीसते हुए बोला, यह कोई इत्तेफाक नहीं है, मैं यहाँ जानबूझकर आया हूँ आशिका से मिलने। ऐसी बात है, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। तभी सिद्धार्थ की नजर समर्थ के हाथ में पकड़े हुए खिलौने पर गई और उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे लगता है कि आप मेरी बेटी को बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको ये भी पता है कि उसे किस तरह के खिलौने पसंद आते हैं। उसकी बात सुनकर समर्थ ने अपने हाथ में पकड़े हुए गिफ्ट को देखा और उसके बाद सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं उन्हें तुमसे बेहतर जानता हूँ। उसका जवाब सुनकर सिद्धार्थ बिल्कुल गुस्सा नहीं हुआ, बस उसने सिंपल से पीछे मुड़कर आशिका को देखा और पूछा, तुमने उनका गिफ्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, उनके एफर्ट बेकार हो जाएंगे। डैड क्या ऑलरेडी आपने यह मुझे नहीं दे दिया, आशिका ने उसे देखते हुए कहा और अपनी पलके झपकाई सिद्धार्थ को सिग्नल देने के लिए। ये कब हुआ, मुझे तो इसके बारे में पता भी नहीं था, तो मैं तुम्हें गिफ्ट कैसे कर सकता हूँ, मुझे लगा तुम सपने देख रही हो, सिद्धार्थ ने कहा और आशिका स्पीचलेस होगी। उसने तो अपने डैड को सिग्नल दिया था, उन्होंने सबके सामने उसका झूठ ऐसे कैसे पकड़वा दिया। आशिका मुझे समझ में आता है कि तुम्हें दूसरे लोगों से गिफ्ट लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ वक्त ऐसा करना चाहिए, इससे दूसरों का दिल नहीं टूटता है, सिद्धार्थ ने अपनी बेटी को समझाने के लिए कहा। आशिका ने जवाब दिया ओके। उसने अपना चेहरा बनाकर समर्थ की तरफ देखा और कहा, थैंक यू अंकल। समर्थ के एक्सप्रेशन बहुत बुरे थे, मगर जब उसने आशिका की आंखें देखी तो वह कुछ नहीं कह पाया और सिर्फ उसने गिफ्ट आशिका को पकड़ा कर कहा, योर वेलकम। आशिका ने गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद सिद्धार्थ ने मुड़कर समर्थ को देखा और कहा, थैंक यू फॉर यू काइंड इंटेंशन मिस्टर खुराना, आपको इतने सारे पैसे खर्च करने कोई जरूरत नहीं है, मेरी नन्ही प्रिंसेस को दूसरे से गिफ्ट लेना बिल्कुल पसंद नहीं है और हाँ वह बिल्कुल ठीक है, इसलिए आपको उसकी हेल्थ के बारे में भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ के मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द डोमिनेंस से भरा हुआ था और वह हर एक शब्द पर जोर देकर कह रहा था, जिससे यह बात आप पता चल रही थी कि समर्थ एक आउटसाइडर है, इसलिए आशिका उसका गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। सिद्धार्थ की बातें सुनकर समर्थ ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मिस्टर ओबेरॉय अगर तुमको सचमुच अपनी बेटी की इतनी ही चिंता होती ना तो तुम उसे सेफ रखते, तो दूसरों को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं होती। समर्थ की बात सुनते ही अथर्व को भी गुस्सा आया और उन्होंने मुड़कर अपने डैड को देखा। उन्हें डर था कि सिद्धार्थ गुस्से में अपना आपा खो देगा, लेकिन उनके लिए हैरानी की बात यह थी कि समर्थ की बात सुनकर भी सिद्धार्थ गुस्सा नहीं हुआ, उल्टा मुस्कुराया और बोला, बाहर बहुत सारे दुश्मन हैं और मैं मानता हूँ कि उस पर नजर ना रखना ये लापरवाही बरतने मेरी गलती थी, लेकिन मैं एक बात से खुश हूँ, फिर मैं इतना बेशर्म नहीं हूँ कि दूसरों की बेटी को छीनने के बारे में सोचूं।
समर्थ ने घूरकर सिद्धार्थ को देखा, तभी सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर फिर कहा, अगर आपको इतनी एक बेटी की इच्छा है तो मैं आपको गुड लक विश करता हूँ कि आपकी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए और एक प्यारी सी बेटी भी हो। इतना कहने के बाद सिद्धार्थ ने मुड़कर आशिका के हाथ को पकड़ा और समर्थ के कुछ कहने से पहले ही उसने अथर्व और आदेश की तरफ मुड़कर कहा, कमोन चलो घर में चलो। बच्चों ने कुछ भी नहीं कहा और सिर्फ एक बार हमें गर्दन हिलाकर वहां से मुड़कर जाने लगे। मुझे जो चाहिए वह मैं हासिल कर लूंगा, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ मिस्टर ओबेरॉय की जब जरूरत हो तब उनसे मीठी मीठी बातें की जाए और जब जरूरत ना हो तो लात मारकर अपनी जिंदगी से निकाल दिया जाए, समर्थ ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी बात सुनते ही सिद्धार्थ अपनी जगह पर रुक गया। उसे रुका हुआ देखकर समर्थ ने एक बार फिर चिल्लाया और कहा, तुम्हारी इस क्वालिटी ने मुझे सचमुच बहुत इम्प्रेस कर दिया है मिस्टर ओबेरॉय, जब तुम्हें कोई चीज चाहिए होती है तो तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान होने का मुखौटा पहन लेते हो और जब नहीं तब वह मुखौटा उतार देते हो, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारे यह अच्छाई का मुखौटा फ्यूचर में उतर जाएगा और मैं ये शो करूंगा तुम्हारे बच्चों को ज्यादा तकलीफ ना हो और तुम्हारे ऊपर थोड़ी सी दया दिखा दे। ये सभी बातें सुनकर तीनों बच्चे और निया सिद्धार्थ की तरफ देखने लगे और उनके मन में एक ही बात चल रही थी, समर्थ अब गया। ठीक उसी वक्त सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर गुस्से और नफरत से समर्थ को देखा। जब सिद्धार्थ ने मुड़कर समर्थ को देखा तो उसकी आंखों का गुस्सा देखकर लग रहा था कि वह सबको जलाकर राख कर देगा। उसे इतने गुस्से में देखकर समर्थ मुस्कुराया, वह दूसरे बता सकता था कि सिद्धार्थ बहुत गुस्से में है, लेकिन अगले ही सेकंड सिद्धार्थ जोर से हंसा। उसने कहा, लगता है कि मिस्टर खुराना को मेरे मामलों में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है और वह मेरे मामलों पर कुछ ज्यादा अटेंशन देते हैं। नहीं मैं ज्यादा अटेंशन नहीं देता हूँ, लेकिन तुमने अभी अभी जैसे मुझे घूर कर देखा उससे तो मैं डर गया, समर्थ ने जवाब दिया। अगर ऐसी बात है तो अगली बार कुछ बोलने से पहले और अपना मुंह खोलने से पहले 10 बार सोच लेना, अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ कहा तो मैं शायद कुछ इतना बुरा कर दूंगा कि तुम्हें सचमुच मेरे यहाँ से डर लगने लगेगा, सिद्धार्थ ने उसे धमकाया। उसकी धमकी सुनकर समर्थ की आंखें छोटी हो गई। और एक और बात सिद्धार्थ ने स्टैटिस्टिक स्माइल के साथ कहा, तुम्हारी बातों से मुझे लगा कि टीना के लिए तुम्हें काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, जो तुम्हारा दिल उसके लिए इतना ही दुख रहा है तो फिर मैं तुम्हें सजेशन दूंगा कि जाओ और उसे बचा लो, मैं दिल से दुआ करूंगा कि तुम दोनों जिंदगी भर एक साथ खुश रहो, कहकर सिद्धार्थ एक बार फिर मुड़ा और एक हाथ से आशिका और एक हाथ से निया का हाथ पकड़कर घर के अंदर चला गया। अथर्व और आदेश भी उन दोनों के पीछे पीछे चले गए। सड़क पर समर्थ अकेला खड़ा था, सबको जाता हुआ देखकर उसकी आंखें डाक हो गई। वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर जाते ही सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन अचानक से बदल गए, उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। आशिका ने अपना हाथ बढ़ाकर उसकी शर्ट को खींचा और पूछा, डैड क्या आप गुस्सा हो? सिद्धार्थ ने अपने इमोशंस को एडजस्ट किया और मुस्कुराकर झूठ बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो उससे जीत गया ना तो फिर मैं क्यों गुस्सा होऊंगा? आशिका ने एक राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, और एक बात डैड, आपको मेरी कुछ चिंता ही नहीं है, आपने देखा नहीं मैंने पहले ही गिफ्ट के लिए मना कर दिया था तो क्यों आपने वह गिफ्ट सबके सामने पकड़वा दिया, ये तो मेरे लिए कितना ऑकवर्ड था। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ मुस्कुराया और उसने कहा, सॉरी मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा, अगली बार जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आशिका ने मुंह बनाते हुए कहा। उसे इस तरह देखकर सिद्धार्थ खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। तभी आदेश ने सिद्धार्थ की तरफ देखा और कहा, तो क्या समर्थ ने थोड़ी देर पहले जो कहा वह सच है? सिद्धार्थ ने अपनी नजर आदेश की तरफ घुमाई और पूछा, मतलब क्या है तुम्हारा? समर्थ ने अपनी बातों में ये बात कह दिया था कि आपने टीना को दूर भेज दिया, ये सच है? आदेश ने पूछा। थोड़ी देर तक सोचने के बाद सिद्धार्थ ने उसे उल्टा सवाल पूछा, तुम्हें क्या लगता है? आदेश जवाब देने ही वाला था, उससे पहले सिद्धार्थ मुस्कुराया और उसने कहा, पहले मुझे डैड बोलो उसके बाद मैं तुम्हें सच बताऊंगा। आदेश स्पीचलेस हो गया जब उसने थोड़ी देर पहले बिना सोचे समझे सिद्धार्थ को डैड कहा। उसका सिंपल एजेंडा सिर्फ समर्थ के सामने एक नाटक करना था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सिद्धार्थ इस बात पर ध्यान देगा। सिद्धार्थ की बातों से सबको याद आ गया कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था और वह सब लोग आदेश की तरफ देखने लगे। इस कारण आदेश ब्लश कर रहा था, उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसे इस तरह देखकर सिद्धार्थ खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पा रहा था। वह बहुत खुश था, समर्थ का यहाँ आना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन अब लगता है कि समर्थ ने उसके लिए कुछ अच्छा ही किया है। आदेश के मुंह से डैड सुनना उसके लिए बहुत खुशी की बात थी। ठीक उसी वक्त कुछ नजर लगातार आदेश पर बनी हुई थी। भाई क्या आप भी डैड को डैड बुलाओगे? आशिका ने पूछा। आदेश अभी जवाब सोच ही रहा था तभी उसके मोबाइल की रिंगटोन बची और उसने कहा, मुझे अर्जेंट कॉल करना है, और इतना कहकर वह दौड़कर वहां से चला गया।
अथर्व को पता था कि अब अगला नंबर उसी का आएगा, इसलिए वह भी आदेश के पीछे दौड़ते हुए निकल गया। लड़कों का ऐसा रिएक्शन देखकर सिद्धार्थ और आशिका ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराने लगे। तभी निया ने उन दोनों के पास से हटते हुए कहा, क्या तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो? कुछ ज्यादा जल्दी, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। या ऑफ कोर्स, निया ने जवाब दिया और वहां से चली गई। अब दरवाजे के पास से दोनों बाप बेटी ही बचे थे। लिविंग रूम में जाते वक्त आशिका ने पूछा, क्या अथर्व भाई ने आपको डैडी बोलना शुरू किया? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने ना में सर हिला दिया। वह ठीक है, जब आपने आदेश भाई का मन चेंज कर ही दिया है तो अथर्व भाई को भी अपनी साइड लेना बहुत आसान होगा उसके मुकाबले में, आशिका ने कहा। तो सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तब तुम्हें लगता है कि तुमने अपने भाई को अंडरएस्टिमेट कर दिया है? भले ही उन्होंने क्लियरली आपसे नहीं कहा है, मगर उन्होंने आपको ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है, आशिका ने कहा। रियली? आशिका ने हाँ में सर हिलाया और कहा, उन्होंने खुद मुझसे कहा। सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा, मगर उसकी आंखें बता रही थी कि इस वक्त वो कुछ और ही सोच रहा है। आज के लिए बस इतने ही, आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए स्टोरी का अगला एपिसोड। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एपिसोड 163 एंटाइटल्ड चैप्टर। अब तक आपने सुना कि समर्थ तीनों बच्चों से मिलता है, ठीक उसी वक्त सिद्धार्थ और निया भी आ जाते हैं और सिद्धार्थ और समर्थ के बीच में बातों ही बातों में झगड़ा होता है और वह लोग समर्थ को वहीं छोड़कर घर आ जाते हैं। अब आगे, ठीक उसी वक्त जब सिद्धार्थ कुछ और सोचा था, आशिका ने अचानक कुछ सोचा और सिद्धार्थ की तरफ मुड़कर पूछा, मैं कोई क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? क्या है? आप और मोम एक साथ कब होगे? उसका सवाल सुनकर सिद्धार्थ ने गहरी आँच छोड़ी और कहा, तुम अपनी मोम से इस बारे में पूछो, तुम ही लगता है कि यह मामला मैं डिसाइड करने वाला हूँ। लेकिन आप दोनों के बीच में तो सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई है ना? तो फिर आप दोनों वापस एक साथ क्यों नहीं हो जाते, आशिका ने पूछा। मुझे भी यही लग रहा है आशिका, कुछ टाइम तुम्हारी मॉम बहुत जिद्दी हो जाती है, सिद्धार्थ ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर पाउट करते हुए कहा। मॉम जिद्दी नहीं है, आशिका ने कहा और फिर सिद्धार्थ की तरफ मुड़कर बोली, डैड क्या आपने कुछ किया है जिससे मॉम गुस्सा हो जाए? ये किस तरह का सवाल है? क्या तुम मुझे ऐसे देखती हो, सिद्धार्थ ने पूछा। मैं बस सिचुएशन को एनालाइज कर रही थी, आशिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर तुम्हें लगता है कि मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं तुम्हारी माँ को गुस्सा दिला पाऊँ, सिद्धार्थ ने कहा। कुछ देर सोचकर आशिका ने कहा, लॉजिकली बात की जाए तो आप में हिम्मत नहीं है, फिर तुम्हारे पास तुम्हारे सवाल का जवाब ऑलरेडी है। उसकी बात सुनकर आशिका ने सिद्धार्थ को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, थोड़ी देर पहले आपके जैसे एक्सप्रेशन थी, उसे देखकर लगता है कि आप मोम से बहुत डरते हैं। उसकी ऐसी बात सुनकर सिद्धार्थ बिल्कुल नहीं गुस्सा हुआ, इनफैक्ट उसने प्राउडली सर ऊंचा किया और कहा, तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है? डेफिनेटली, आशिका ने जवाब दिया। फिर जाओ जाकर अपनी मॉम को बताओ कि मैं कितना डरता हूँ उससे, फिर देखोगी वह कैसा रिएक्ट करती है, सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर सजेशन दिया। ओ कम ऑन, डैड वर पावरफुल डोमिनेटिंग सिद्धार्थ और ब्रॉय कहाँ गया, आशिका ने पूछा। तुम्हारी माँ ने उसको किडनैप कर लिया और उसके हाथ पैर बांध कर उसे टॉर्चर किया है, वह पावरफुल डोमिनेटिंग गायब हो गया है, उसकी बात सुनकर आशिका खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। मैंने टीवी पर हमेशा देखा है कि जो लड़की स्ट्रांग होती है उन्हें अपने से भी ज्यादा स्ट्रांग हीरोज पसंद आते हैं। आप मोम से कुछ ज्यादा ही डरते हो और उन्हें जो मन करे वह करने देते हो, यही प्रॉब्लम है। क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है, आशिका ने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ मुझे लगता है आपको अपना डोमिनेंस दिखाना चाहिए और दिखाना चाहिए कि आप कितने पावरफुल है, उसने आशिका को देखकर पूछा। क्या तुम इस बारे में श्योर हो? इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर क्या होगा वह मुझे मार रहे तो? फिर आप अपनी टेक्निक बदल सकते हो, आशिका ने कहा। उसकी बात सिद्धार्थ से जवाब दिया, तुम्हें लोगों को सजेशन देने से पहले उसके कंसीक्वेंसेस के बारे में पहले सोच लेना चाहिए। लेकिन ऐसा तो मैंने टीवी पर देखा था, अगर आपको थप्पड़ पड़ जाता है तो आप मासूम से चेहरा बना लेना जैसे मैं करती हूँ। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ स्पीचलेस हो गया, वह आशिका को देखने लगा। बदले में आशिका मुस्कुराए और उसने कहा, आप बैठकर इसी तरह इंतजार तो नहीं कर सकते, स्टार्ट कीजिए, आपको ऑल द बेस्ट विश कर रही हूँ जायना, कहकर आशिका ने सिद्धार्थ को सिग्नल दिया और आदेश के रूम में भाग गई। उसने मुस्कुराकर जाते हुए आशिका को देखा और अगले ही सेकंड उसकी नज़र निया पर चली गई। निया किचन में फ्रिज के पास खड़ी होकर पानी पी रही थी। उसे देखकर सिद्धार्थ मुस्कुराया और उसकी तरफ बढ़ गया। जैसे ही निया पानी पीकर पीछे मुड़ी, सिद्धार्थ उसके ठीक पीछे पड़ा था। वह धीरे से झुका और निया के होठों पर किस कर लिया। निया उसके ऐसे सडन मूव से हैरान हो गई और उसने पूछा, क्या कर रहे हो तुम?
कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ी सी प्यास लगी थी। उसकी बात सुनकर निया ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बचा हुआ ग्लास का पानी सिद्धार्थ की तरफ बढ़ा दिया। सिद्धार्थ ने वह ग्लास ले लिया। उसकी नजरें लगातार ग्लास के लिपस्टिक के मार्क पर टिकी हुई थी। वह धीरे से मुस्कुराया और उसने लिपस्टिक के मार्क पर ही अपने होंठ रख कर वहाँ से पानी पी लिया। निया ने उसे घूर कर देखा और पूछा, मिस्टर ओब्रॉय, क्या ऐसी फ्लिटिक टेक्निक्स करने के लिए आप कुछ ज्यादा ही बुढ़े नहीं हो गए हैं? बुढ़ा हो गया हूँ, उसने अपनी आंखें छोटी की और कहा, क्या मेरी उम्र को ज्यादा हो गई है? क्या 19-20 साल के हैंडसम टीनेजर्स के मुकाबले में आप बुढ़े नहीं हो गए? निया ने पूछा। हैंडसम टीनेजर्स कौन है वो लोग? सिद्धार्थ ने उससे सवाल पूछा। निया एक कदम आगे आई और उसके एक्सप्रेशन देखकर उसने पूछा, क्या बात है, क्या तुम नर्वस हो? जब सिद्धार्थ ने देखा कि निया जानबूझकर उसे चिढ़ा रही है तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे अपने करीब खींचा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ बिल्कुल मैं नर्वस हूँ, तो बताओ वह कौन है हैंडसम यंग टीनेजर्स? तुम क्यों ना खुद ही पता लगा लो, क्या वह कंपनी के अप्लाई है? अगर वह मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज होते तो क्या तुम्हारे सुको और जासूस तुम्हें बताते नहीं? तो कौन है बोलो, उसने अपनी आंखें छोटी करके पूछा, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? झूठ नहीं है, उसने टीवी की तरफ देखते हुए कहा, वह एक्टर्स है जिनकी मूवीज और शो जो आशिका देखती रहती है, क्या वह सभी हैंडसम यंग टीनेजर्स नहीं है? सिद्धार्थ ने टीवी की तरफ देखा और फिर उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, मुझे लगता है कि आशिका का टीवी देखना बंद करवाना पड़ेगा, शायद तुम्हें एहसास हो गया कि तुम्हारे और उनके बीच में काफी ज्यादा एज गैप है, उसने पूछा। मैं बस ये चाहता हूँ कि वह उन लोगों को हैंडसम ना समझे जो शूटिंग की लाइट और मेकअप से हैंडसम दिखते हैं, सिद्धार्थ ने कहा। निया की तरफ देखते हुए कहा, फिर मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ा काम मुझे तुम्हारे ऊपर छोड़ देना चाहिए। इतना कहकर वह उसकी बाहों से आजाद होने की कोशिश करने लगी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा। निया ने पूछा, मिस्टर ओब्रॉय, मुझे लगता है आपको पता है क्या वह कब रुकना चाहिए? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें नहीं जानना कि थोड़ी देर पहले मुझसे आशिका ने क्या कहा? क्या कहा उसने? उसने मुझे एक बहुत ही काम का लेक्चर दिया। उसकी बात सुनते ही निया क्यूरोसिटी से उसकी तरफ देखने लगी। तभी सिद्धार्थ ने कहा, उसने मुझसे पूछा कि हमारा रिश्ता अभी तक ऑफिशियल क्यों नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर निया हैरान हो गई और इधर उधर देखने लगी। वह अभी इस टॉपिक को अवॉइड करना चाहती थी। सिद्धार्थ ने उसके फेसियल एक्सप्रेशन नोटिस किए और कहा, आशिका ने ये भी कहा कि मैं इतना ताकतवर और डोमिनेटिव नहीं हो रहा हूँ, इसलिए तुम मुझसे दूर भाग रही हो और इसके लिए उसने मुझे कुछ तरीके सिखाए। आशिका ने सिद्धार्थ को क्या सुनाया इसके बारे में जानने का निया का कोई मूड नहीं था। उसे पता था कि आशिका जो टीवी पर देखती रहती है वही उसने सिद्धार्थ को सिखाया होगा। उसने पूछा, तो मुझे लगता है कि मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। तुम कैसे प्रैक्टिस? आगे निया कुछ कहती है उससे पहले उसकी पूरी बात मुंह में ही रह गई। सिद्धार्थ ने उसे धीरे से उठाया और वही किचन काउंटर पर बैठा दिया और अपने होंठ निया के होंठों पर रख दिए। वह पूरी तरह से हैरान हो गई। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि सिद्धार्थ की छुअन ही उसे बहका देती थी। उसकी हार्टबीट बहुत तेजी से धड़क रही थी। दोनों बहुत ही पैशनेटली एक दूसरे को किस कर रहे थे। सिद्धार्थ ने शुरू शुरू में सिर्फ निया को चिढ़ाने के लिए किस किया था, लेकिन निया का रिस्पांस मिलते ही वह पूरी तरह से मदहोश हो चुका था। किचन के काउंटर से आदेश का रूम साफ साफ दिखता था। निया आदेश का रूम देख सकती थी और जैसे ही उसने आदेश के रूम का दरवाजा खोलते हुए देखा, उसने जल्दी से सिद्धार्थ को खुद से दूर धक्का दे दिया। निया से दूर होने से सिद्धार्थ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, लेकिन जब उसने आदेश के रूम का दरवाजा खुलते हुए देखा तो जल्दी से खुद को एडजस्ट कर लिया। ठीक उसी समय अथर्व और आशिका बाहर आए। उन दोनों को देखकर आशिका ने पूछा, क्या हुआ डैड मॉम? सिद्धार्थ ने कहा, कुछ नहीं, जो तुमने मुझे सिखाया था मैं बस उसे प्रैक्टिस कर रहा था। आशिका ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची? हाँ, लेकिन मुझे कुछ बात करनी है पर्सनल, क्या तुम लोग जा सकते हो? ऑफ कोर्स, इतना कहकर आशिका ने अथर्व का एक हाथ खींचते हुए उसे भी अपने साथ आदेश के रूम में वापस ले गई। उसे देखकर सिद्धार्थ ने कहा, कितनी समझदार बच्ची है। वह वापस मुड़ा, तब तक ऑलरेडी निया किचन काउंटर से उतर चुकी थी और भागने की तैयारी में थी। सिद्धार्थ ने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ, इतना कहकर वो अपने रूम की तरफ भागी। सिद्धार्थ भी उसके पीछे भागा और वह दरवाजा बंद कर पाती उससे पहले ही सिद्धार्थ ने उसे बीच में रोक दिया। निया ने पूछा, क्या बात है? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा और पूछा, मुझे आशिका के सवाल का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और रीजन चाहिए। कैसा एक्सप्लेनेशन और रीजन? यही कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर भी एक साथ क्यों नहीं है?
नेहा ने उसकी तरफ देखा और कहा, इसका कोई एक्सप्लेनेशन और रीजन नहीं है। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नेहा देखो, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए अभी भी फीलिंग्स है, तो तुम मुझे दूसरा मौका क्यों नहीं देती? मेरी शादी मेरे लिए एक बुरा सपना था। तुम ये कह सकते हो कि मुझे अब शादी नाम से डर लगने लगा है। मैं तुम्हें अभी खुद से शादी करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बस मैं एक प्रॉपर टाइटल चाहता हूँ, एक ऑफिशियल स्टेटस, ताकि मैं बिना किसी रोक टोक के तुम्हारा ध्यान रखूं। मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मगर मुझे है। नेहा इस वक्त बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी। उसने कहा, सिद्धार्थ, क्या चीजें वैसे ही ठीक नहीं है जैसे इस वक्त है? सब कुछ तो ठीक चल रहा है, हम नॉर्मल फ्रेंड की तरह रह सकते हैं, और क्या पता कि बीच में तुम्हारा माइंड बदल जाए तो रिश्ता नाम की जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर नहीं होगी और तुम आसानी से अपनी मर्जी का काम कर पाओगे। सिद्धार्थ ने उसे देखा और गुस्से में बोला, निया तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या हूँ? मुझे कुछ नहीं लगता है, मुझे सिर्फ इतना लगता है कि हमें दूर ही रहना चाहिए। अगर तुम मुझसे दूरी बनाना चाहते हो तो मुझे इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वक्त निया काफी हार्टलेस साउंड कर रही थी। निया की यह बात सुनकर सिद्धार्थ को और गुस्सा आया और उसने कहा, निया हमारे रिश्ते, क्या तुम हमारे रिश्ते को इसी तरह से देखती हो? सिद्धार्थ को किसी भी तरह से उससे दूर करने के लिए, वह कुछ भी करने के लिए तैयार थी, इसलिए उसने सिद्धार्थ की बातों में हाँ में सर हिला दिया। सिद्धार्थ बहुत गुस्से में था, उसने गुस्से में कह दिया, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? और अगर कर रही हो तो ये बहुत ही घटिया मजाक है, मैं तुम्हें फ्री में अपना एडवांटेज नहीं लेने दूंगा। उसकी बात सुनकर निया मुंह खुले उसे देखने लगी। एडवांटेज? लेकिन जब उसने ध्यान से सोचा उसके बाद पूछा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा एडवांटेज ले रही हूँ? सिद्धार्थ ने अपना होंठ दबा लिया और शांति से उसकी तरफ देखते रहा। नेहा ने कहा, अभी इस वक्त मुझे बात करने का कोई मूड नहीं है, तुम ये सोचो कि कुछ हुआ नहीं है और यहाँ से चले जाओ। अब सिद्धार्थ को ऐसा लगने लगा कि वह एक आवारा लोफ है जिसे किसी भी कीमत पर नेहा आंखों से दूर भगाने पर तुली हुई है। आज के लिए बस इतने ही, आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए स्टोरी का अगला एपिसोड। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एपिसोड 164 अनटाइटल्ड चैप्टर। अब तक आपने सुना कि निया और सिद्धार्थ के बीच में कुछ बातें होती हैं, लेकिन आखिर में शादी की बात पर निया मुकर जाती है और कहती है कि उसे शादी नहीं करनी है, जिससे सिद्धार्थ गुस्सा होता है। अब आगे, सिद्धार्थ अभी भी वहाँ कंफ्यूज खड़ा था, तभी निया ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। अपने सामने दरवाजा बंद होते देख सिद्धार्थ के दिमाग में एक साथ कई सारी चीजें घूमने लगी। अचानक से अपना हाथ बढ़ाकर दरवाजा बंद होने से एक सेकंड पहले ही दरवाजा उसने रोक दिया। नेहा हैरान हो गई और उसने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या और कोई बात है? सिद्धार्थ गहरी आंखों से नेहा की तरफ देख रहा था। भले ही नेहा की बातों ने उसे बहुत गुस्सा दिलाया था, लेकिन तभी उसे याद आ गया कि पिछली बार जब उनके बीच में इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था तो वह लोग कितने दिनों तक एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। उनके लिए झगड़ा करना और आसान था, लेकिन वापस एक साथ होना मुश्किल। वह निया पर गुस्सा होना ही नहीं चाहता था। भले ही निया की बातों ने उसे चोट पहुंचाई थी, लेकिन फिर भी उसने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हारा सजेशन कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल भी नहीं है। निया पूरी तरह से हैरान हो गई। उसने पूछा, अब तुम्हारा क्या मतलब है? सिद्धार्थ ने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर आते हुए बोला, अगर तुम्हारी बात मानी जाए तो तुम्हें और मैच्योर बिहेव नहीं करना चाहिए। क्या? सिद्धार्थ सीधा रूम के अंदर आ गया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। वह लगातार निया की तरफ देखे जा रहा था, जिससे निया बेचैन हो रही थी। सिद्धार्थ एकदम से निया के करीब आ गया और उसने पूछा, मुझे तुम्हारा सजेशन मंजूर है और उसके बाद तुम्हें नहीं लगता हमारे बीच में कुछ होना चाहिए? निया चुप रही। मुझे लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए, वरना तुम्हारा प्रपोजल बेकार हो जाएगा, सिद्धार्थ ने आगे कहा। निया ने अपनी पूरी स्पीच सिद्धार्थ को खुद से दूर रखने के लिए की थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सिद्धार्थ सीरियसली इस बात को ले लेगा। वह जानती थी कि उसकी बातों ने सिद्धार्थ को गुस्सा दिलाया है, लेकिन उसके एटीट्यूड में अचानक से आए चेंज को वह समझ नहीं पा रही थी और वह बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। इस वक्त सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डोंट वरी, मेरा स्टेमिना अभी भी बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर पाऊंगा। निया पूरी तरह से हैरान हो गई। सिद्धार्थ जैसे जैसे उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था, निया पीछे की तरफ जा रही थी। वह दोनों बेड पर गिर गए। निया की आंखों में देखते हुए सिद्धार्थ ने कहा, क्या हुआ? अब तो तुम घबरा रही हो, तुम तो यही चाहती थी ना? निया ने इधर उधर देखते हुए कहा, मैं नहीं घबरा रही हूँ। सिद्धार्थ जानता था कि निया उसे खुद से दूर भेजने के लिए इस तरह की बातें कर रही थी ताकि गुस्से में वह निया से दूर रहे, लेकिन उसने भी इस बार ठान लिया था कि या तो वह निया के मुंह से सच्चाई निकल जाएगा या फिर वह निया के साथ ही रहेगा।
नेहा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम यही कर सकते हो कि मेरे ऊपर अपना जोर है जमा लो। जबरदस्ती की बात सुनते ही सिद्धार्थ ने अपना एक हाथ तेजी से बैट पर पटका और घूरते हुए बोला, न्या तुम शुक्र मनाओ कि तुम एक लड़की हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वरना अगर कोई और होता तो वह मेरा वो रूप देखता जो तुम सोच भी नहीं सकती। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, नहीं मैंने किसी से झूठ बोला और ना ही किसी के साथ जबरदस्ती की, तो मैं कैसे बुरी इंसान हो गई। उसकी बातों से एक पल के लिए सिद्धार्थ को खुद पर ही शक हो गया, लेकिन फिर उसने कहा, ठीक है, फिर यह हमारी डील है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अपने इस फैसले पर पछतावा नहीं होगा। इतना कहकर सिद्धार्थ उठा और गुस्से में वहाँ से चला गया। अगला दिन बहुत अच्छे से पैकिंग होने के बाद आज वह लोग फाइनली दूसरे घर जाने वाले थे, क्योंकि नेहा उन लोगों के साथ नहीं जा रही थी, इसलिए ज्यादा सामान तो नहीं था। उन लोगों ने अपनी कुछ जरूरत की चीज है और कपड़े रखे हुए थे। सब कुछ गाड़ी में रखने के बाद आदेश ने नेहा को देखा और कहा, मोम क्या आप श्योर हो कि आप हमारे साथ नहीं चल रही। नेहा ने तीनों बच्चों को परेशान देखकर मुस्कुरा कर कहा, मेरा ऑफिस यहाँ से नजदीक है, अगर मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगी तो मुझे ऑफिस पहुँचने में लेट हो जाएगा या फिर सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ेगा। क्या तुम्हें लगता है कि टाइम पर अपने ऑफिस पहुँच पाऊंगी? मगर आपको यहाँ अकेला छोड़कर जाना है, मुझे बहुत चिंता हो रही है, आदेश ने कहा तो अथर्व ने भी हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप हमारे साथ चलो ना मोम। हाँ मोम आप हमारे साथ चलिए, अगर आप यहाँ पर रहेंगी और मैं आपको मिस करूँगी तो, आशिका ने कहा। अपने बच्चों को इस तरह दुखी देखकर निया काफी उदास थी, आफ्टर ऑल ये पहली बार था जब वह तीनों बच्चों से दूर रहने वाली थी। वह भी उन्हें दूर नहीं करना चाहती थी, लेकिन उन्हें खतरे से दूर रखना भी जरूरी था, इसलिए उसने अपनी इमोशन को काबू किया और फिर से मुस्कुरा कर बोली, क्या तुम लोग कुछ सामान मेरा भी नहीं लेकर जा रहे हो? मैं जरूर आऊंगी और थोड़ी देर के लिए तुम लोगों के साथ रहूंगी जब भी मैं फ्री होंगी, मगर हम आपसे दूर इतनी देर कभी नहीं रहे, आशिका रोने लगी। इसीलिए तो अब तुम लोगों के पास मौका है कि तुम अपनी फ्रीडम एंजॉय कर सको, निया ने कहा। तभी आशिका ने उसकी तरफ देखा और कहा, मम्मा मिस्टेक कर रही हो, हम तो फिर भी आजाद रहते हैं और हम इंडिपेंडेंट भी है, मुझे तो बस आपकी चिंता है, अगर हम नहीं रहेंगे तो आपका ख्याल कौन रखेगा। उसकी बात भी सच थी, मगर निया ने कहा, तुम लोग बच्चे हो, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, चिंता मत करो, सामान ऑलरेडी गाड़ी में रख दी गई है, जल्दी जाओ। उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए। ऑलराइट हम कुछ दूरी पर रहने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अपनी माँ से कभी नहीं मिलोगे, कैलाश जी ने आते हुए कहा और उसके बाद उन्होंने निया को देखा, भले ही वह भी निया के लिए बहुत परेशान थे, लेकिन उन्हें पता था कि वह अपना ख्याल रख लेगी। 6 सालों से वह अपने और अपने बच्चों का ख्याल खुद ही तो रखती आई थी, इस बार तो वह अपने साथ तीनों बच्चों को भी ले जा रहा है। उन्होंने निया को देखते हुए कहा, निया। हाँ दादू, कैलाश जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आज हम लोग उस नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं तो तुम हमारे साथ ही वहाँ पर डिनर करोगी और पूरी रात वहीं रुकोगी, तब शायद बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। कैलाश जी के बात सुनते ही तीनों बच्चे भी खुश होकर निया को देखने लगे। नेहा को पता था कि वह लोग हार नहीं मानने वाले, इसलिए उसने कहा, ठीक है ऑफिस खत्म होने के बाद मैं आ जाऊंगी। उसकी बात सुनकर तीनों बच्चों ने एक साथ कहा, तब मोम हम आपका इंतजार करेंगे, अब रात को मिलते हैं। इसके बाद कैलाश जी तीनों बच्चों के साथ गाड़ी में बैठ गए और मेंशन के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद निया ने भी टैक्सी लेकर काम के लिए जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी उसे अपने पीछे अनाया दिखी। अनाया को देखते ही उसने कहा, काफी वक्त हो गया, क्या आप काम पर जाने वाली है? निया ने हाँ में सर हिलाया। ग्रेट टाइमिंग है, मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ तो मैं आपको छोड़ देती हूँ, अनाया ने ऑफर किया। निया ने भी उसकी बात मान ली और गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में अनाया ने पूछा, मैंने सुना कि टीना ने खुद ही जुर्म कबूल कर लिया और जेल चली गई। निया ने बस हाँ में सर हिला दिया। अच्छी बात है, बुरे लोगों को उनकी सजा मिलनी चाहिए, अनाया ने कहा। निया ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और फिर अनाया की तरफ देखते हुए पूछा, आदेश नए मेंशन में रहने के लिए चला गया है, तुम्हारा क्या, क्या तुम अभी भी यही रहने वाली हो? उसकी बात सुनकर अनाया थोड़ी टेंशन हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि निया इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी। कुछ देर तक सोचने के बाद अनाया कुछ जवाब देने वाली थी, उससे पहले ही निया ने कहा, तुम भी उनके साथ रहने के लिए जा सकती हो। उसकी बात सुनते ही अनाया हैरान हो गई और उसने निया की तरफ देखते हुए कहा, मैं? हाँ तुम? निया ने हाँ में सिर हिलाया। ये थोड़ा ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा? ऑकवर्ड होने की क्या बात है इस बारे में, अगर तुम लोग एक साथ रहोगे तो तुम लोगों का कम्युनिकेट करना आसान हो जाएगा, आफ्टर ऑल तुम यहाँ उनकी वजह से ही तो रह रही थी। नहीं, निया ने डायरेक्टली उस बात पर पॉइंट करते हुए कहा। अनाया निया को देखने लगी, उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि निया इन बातों से कुछ और कहना चाहती है। निया को कुछ पता चल गया है,
थोड़ी देर के बाद उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रही हो। नेहा ने उसकी तरफ देखकर कहा, ओ ऐसी बात है तो ठीक है, फिर तुम अपना नाटक जारी रखो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। उसकी बात सुनकर अनाया चुप हो गई। वह बिल्कुल निडर औरत थी, लेकिन जब भी वह नेहा के सामने होती पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगता कि नेहा की नजरें उसके अंदर तक झांक सकती है और उसके मन की हर बात जान सकती है, पता नहीं क्यों। नेहा की प्रेजेंस अनाया को थोड़ा डरने पर मजबूर कर देती थी। थोड़ी देर के बाद उसने फाइनली नेहा से कहा, क्या आप प्रतीक को बहुत टाइम से जानती हैं? नेहा ने हमें सर हिलाया और कहा, काफी लंबा टाइम हो गया, क्या वह आपको पसंद करता है? अनाया ने सीधे सीधे पूछा। ये सवाल उसके दिमाग में कई दिनों से घूम रहा था। उसका सवाल सुनकर नेहा हैरान हो गई और उसने पूछा, क्या ये बात उसने तुमसे कही? नहीं, मैंने खुद ही अंदाजा लगाया। नेहा उसकी तरफ देखने लगी तो उसने आगे कहा, उसने मुझसे कहा कि वह किसी को पसंद करता है। मैं काफी लंबे टाइम तक सोचती रही और मुझे सिर्फ आपका ही चेहरा दिमाग में आया, और अगर सचमुच आप ही हैं तो मैं हटने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं हूँ तो तुम ऐसा क्यों करोगी? नेहा ने पूछा। मुझे नहीं पता, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आपसे हारना नहीं चाहती, और उसके अलावा आपके लुक्स, आपका कैरेक्टर और आपका मुझे सब कुछ पसंद है, अनाया ने कहा। उसकी बात सुनकर नेहा उसे घूरती रही। उसके बाद अचानक से हंसते हुए उसने कहा, मुझे लगता है कि वह सब ठीक कहते हैं, प्यार में इंसान पागल हो जाता है। आपका मतलब क्या है? नेहा ने उसकी तरफ देखकर फिर हंसी और कहा, मेरा मतलब है कि मैं और वह सिर्फ दोस्त हैं। अनाया ने उसके जवाब के रिस्पांस में एक आईब्रो उठाए और पूछा, क्या हो कि अगर वह आपको पसंद करता हो? कुछ पल नेहा सोचती रही और उसने कहा, अनाया भले ही मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था और मैं इस बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहती, लेकिन मैं तुम्हें ये 100% श्योर होकर बता सकती हूँ कि वह मुझे उस तरह से पसंद बिल्कुल नहीं करता, और मैं इस बात के लिए शर्त लगाने को तैयार हूँ। नेहा के बातों से कहीं ना कहीं अनाया कन्विंस हो गई। उसने पूछा, क्या हो सकता है कि कोई और लड़की हो? नेहा ने उसकी तरफ देखा और कहा, -10 साल हो गए हैं जब से मैं प्रतीक को जानती हूँ, मैंने कोई भी लड़की उसके आसपास भी नहीं देखी, और उसके अलावा तुमने भी रियलाइज किया होगा कि मैं उसके लिए लड़की हूँ ही नहीं, वह मुझे एक लड़के की तरह ही देखता है। उसकी बातों को सुनकर अनाया ने पूछा, तो उसने ये क्यों कहा कि वह किसी को पसंद करता है? तुम्हें क्या लगता है? नेहा ने उसके बदले में सवाल पूछा। उसकी बात सुनकर अनाया कुछ सोचने लगी, तभी कुछ उसे समझ आया। ठीक उसी वक्त नेहा का ऑफिस आ गया और उसने कहा, यही रुक दो। उसकी बात सुनकर नेहा अपने होश में वापस आई और उसने गाड़ी रोक दी। जैसे ही नेहा गाड़ी से बाहर आई, उसने अनाया से पूछा, बाय द वे क्या तुम आज रात फ्री हो? अनाया कंफ्यूज होकर नेहा को देखा और पूछा, क्या बात है? नहीं, आज हम लोग आज अपने नए घर में शिफ्ट होने की खुशी में पार्टी कर रहे हैं, तो चलोगी? अनाया ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल ठीक है, फिर मैं आदेश से कहूंगी कि वह तुम्हें एड्रेस भेज दे। इतना कहकर नेहा मुड़कर ऑफिस के अंदर चली गई। उसे जाता हुआ देखकर अनाया भी यह सोचने लगी कि काश वह भी नेहा की तरह ही कैफ्री रह सकती। आज के लिए बस इतना ही, आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए स्टोरी का अगला एपिसोड। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एपिसोड 165 एंटाइटल्ड चैप्टर। अब तक आपने सुना कि तीनों बच्चे कैलाश जी के साथ दूसरे मेंशन में रहने के लिए चले जाते हैं और नेहा अनाया के कहने पर उसके साथ उसी की गाड़ी में बैठकर ऑफिस आ जाती है और उसे रात के डिनर के लिए इनवाइट भी करती है। अब आगे, काम के दौरान नेहा को ज्यादा काम नहीं था, फिर भी वह लगातार कंप्यूटर के सामने बैठी हुई थी और देख रही थी कि उसी वक्त प्रिया वहां आई और उसने नेहा की टेबल पर कॉफी रखते हुए कहा, आपके लिए नेहा मैम। नेहा ने सिर उठाकर उसके एक्सप्रेशन देखे और पूछा, ये क्यों है? इतना कहकर उसने कप लेकर पीना शुरू कर दिया। कुछ नहीं, मैं तो बस आपके लिए कॉफी लाई थी, प्रिया ने कहा। नेहा ने उसे एक बार फिर देखा और हाँ में सर हिला दिया। बाय द वे आशिका कहाँ है, क्या वह ठीक है? प्रिया ने पूछा। अब वह बिल्कुल ठीक है, नेहा ने कहा। मैं उसे हॉस्पिटल में मिलना चाहती थी, लेकिन ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था, तो अब मैं अभी भी सोच रही हूँ कि उससे कब मिलूं। क्यों ना मैं आज काम के बाद उससे मिलने के लिए आपके साथ चलूं, प्रिया ने पूछा। नहीं, आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, नेहा ने जवाब दे दिया। क्यों? क्योंकि आज ही वह लोग दूसरे घर में शिफ्ट हुए हैं, इसलिए मुझे डर है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा, नेहा ने कहा। फिर उसकी तरफ मुड़कर बोली, और दूसरी बात, जहां वो लोग अब रहने गए हैं वह ऑफिस से काफी दूर है। उसकी बात सुनकर प्रिया ने पूछा, दूसरी जगह रहने? नेहा मैम, क्या आपने एक नया घर लिया है? नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, यह एक ऐसा मेंशन है जो मेरे दादू और सिद्धार्थ के दादाजी ने लिया था,
इसलिए वह सब एक साथ वही रहेंगे। नेहा पूरी बात एक्सप्लेन की तो प्रिया का मुंह खुल गया और उसने कहा इसका मतलब है कि वह तीनों बच्चे पूरे परिवार के साथ रहेंगे और उसका ये भी मतलब है कि वह तीनों ओबेरॉय कॉर्पोरेशन की फ्यूचर के वारिस है। उसके बाद नेहा वापस से मुड़ गई और उसने कहा भले ही वह लोग परिवार के साथ रहते थे या नहीं, मगर उनके अंदर ओबेरॉय परिवार का ही खून है। वह ओबेरॉय परिवार के वारिस होंगे या नहीं, कंपनी चलाएंगे या नहीं, या फिर कुछ और करेंगे, ये सब उन पर डिपेंड करता है। इतना कहकर नेहा ने प्रिया को देखा जैसे उसका साफ मतलब है कि बच्चे कंपनी नहीं चलाना चाहते। क्या बात है, क्या वह कंपनी के बारे में कुछ नहीं सोचते, प्रिया ने पूछा। पता नहीं, नेहा ने केजुअली जवाब दिया। पूरी रात आदेश से बात करने के दौरान नेहा को यही पता चला था कि आदेश को बिजनेस वर्ल्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसके अलावा वह फ्यूचर में क्या करेंगे वह उन्हें डिसाइड करने का हक है। नेहा बस इतना जान खुश थी कि उसके बच्चे इतना टैलेंटेड है। प्रिया खामोश हो गई क्योंकि उसे पता था कि बच्चे निया और सिद्धार्थ के हैं। आशिका मूवी में काम कर रही है और दोनों बच्चे भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखते हैं। कुछ सोचकर उसने कहा ये सच ही है, कुछ लोग दूसरों से ज्यादा बेटर होते हैं। निया ने सर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा बात क्या है, तुम्हें दूसरों की लाइफ में इतना इंटरेस्ट कब से होने लगा। उसकी बात सुनकर प्रिया ने हड़बड़ाते हुए कहा अरे नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही थी, भले ही मैं जो कर रही हूँ उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपनी लाइफ में बेस्ट होने की कोशिश करूँगी। नेहा मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। तभी प्रिया की नज़र नेहा के कंप्यूटर पर गई और उसने पूछा नेहा मैम क्या आप प्लेन टिकट के चेक कर रही है। और फिर उसने नज़दीक जाकर उस दिन को देखा और क्या आप कैनेडा जा रही है। कंप्यूटर बंद करने के लिए ऑलरेडी नेहा बहुत देर कर चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने बंद किया और कहा मैं बस देख रही थी। प्रिया हंसी और उसने कहा आप मिस्टर ओबेरॉय के साथ हॉलिडे पर चलने का नहीं प्लान कर रही है ना? अगर आप कर भी रही है तो आप लोगों को कोई और रोमांटिक शहर में जाना चाहिए, इस वक्त कनाडा के हालात ठीक नहीं है। नेहा ने ध्यान से प्रिया को देखा और कहा प्रिया हाँ मैं एक सवाल पूछूं। आप प्लीज पूछिए, सिद्धार्थ को कंपनी में जो कुछ भी होता उसके सब के बारे में उसे पता होता है, तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें किस पर शक है कि कौन उसे रिपोर्ट करता होगा। एक सेकंड के लिए प्रिया हैरान हो गई और उसने कहा मैं मुझे कैसे पता होगा। तुम्हें नहीं पता, नेहा के पूछने से उसने जोर से जोर अपना सर ना में हिलाया। नेहा ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा ओके नहीं रुकिए, आपने ये सवाल मुझसे पूछा था, इसका मतलब आपको मुझ पर शक है। प्रिया ने पूछा नहीं मैं तो बस इसी तरह सवाल कर रही थी, तो आपने साहिल और राहुल से क्यों नहीं पूछा। क्योंकि वह यहाँ इस वक्त नहीं है। नहीं नहीं, आपकी बातों में मुझे कुछ तो गड़बड़ लगी, आप मुझ पर शक कर रही है, प्रिया ने इमोशनल होकर कहा। अच्छा अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम मुझे अपना फोन दे दो, मैं चेक कर लेती हूँ कि तुम सच में इनोसेंट हो, नेहा ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। नेहा की बात सुनते ही प्रिया ने एक मासूम फेस बनाकर कहा मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिखाना नहीं चाहती, मगर मैं अगर मैंने आपको अपना फोन दे दिया तो मेरी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी और इसके अलावा मेरे कुछ पर्सनल सीक्रेट है फोन में है ना। नेहा अपनी भौहें सिकुड़ता हुए उसकी तरफ देख रही थी, उसे पक्का पता था प्रिया झूठ बोल रही है। आप अपने दोस्त पर डाउट नहीं कर सकती, आप मेरी फीलिंग हर्ट कर रही हैं। और इतना कहकर उसने रोते हुए कहा मैं एक बहुत बड़े दिल की लड़की हूँ, मैं इतना नीचे नहीं गिर सकती, ऐसा दोबारा मत कीजिएगा। जवाब में नेहा कुछ कहती उससे पहले ही वहाँ से मुड़ी और भाग गई। उसे इस तरह भगते देखकर नेहा मुस्कुराई, उसने तो प्रिया का ध्यान टिकट वाली बात से हटाने के लिए यह बात कही थी, लेकिन उसके लिए हैरानी की बात यह थी कि उसे सिद्धार्थ के जासूस के बारे में पता चल गया। भले ही यह बात कंफर्म नहीं हुई थी प्रिया सिद्धार्थ की जासूस है या नहीं, लेकिन इतना तो पता चल ही गया था कि सिद्धार्थ के कांटेक्ट में है। लेकिन यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि आखिर में उसे तीनों पर बहुत भरोसा था और उसे यह भी पता था कि उसके तीनों दोस्त जानते हैं कि किसे क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। इसी सोच के साथ निया ने अपना फोकस फिर कंप्यूटर पर लगा दिया और फिर से ध्यान से प्लेन की टिकट देखने लगी। जब उसका वर्किंग आवर खत्म होने ही वाला था तभी निया का फोन बजा। उसने देखा तो सिद्धार्थ कॉल कर रहा था, वह अंदाजा लगा सकती थी कि सिद्धार्थ उसे क्यों कॉल कर रहा है। उसने कॉल उठाया, बोला हेलो क्या तुम्हारा काम हो गया। हाँ गुड, मैं तुम्हारे ऑफिस के एंट्रेनर्स पर हूँ, तो नीचे आ जाओ, तुम भी वहाँ जा रहे हो। क्यों मैं वहाँ नहीं जा सकता। ओके समझ गई, आ रही हूँ। इतना कहकर निया ने कॉल कट कर दिया। अपना काम समेटने के बाद निया डायरेक्ट नीचे की ओर बढ़ गई। सिद्धार्थ की कार राइट साइड में पार्क की हुई थी और वह आराम से कार के सहारे खड़ा था, उसका नोबल ऑरा और स्टाइल आने जाने वालों का अटेंशन खींच रहा था। निया ऑफिस से बाहर निकलकर उसके पास जाने ही वाली थी
तभी एक यंग लड़की सिद्धार्थ के पास आई और उसने कहा, खेलो क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है। सिद्धार्थ ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, मेरा नंबर? तो उस लड़की ने हाँ में सर हिला दिया। सिद्धार्थ उस लड़की को मना करने ही वाला था, तभी उसे अपनी गाड़ी के शीशे में दूर खड़ी निया दिखाई दी। वह मुड़ा और मुस्कुराते हुए निया के पास चला गया। उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जो पहले आया उसे पहले बात करनी चाहिए ना, मैं इंतजार कर सकती हूँ, निया ने जवाब दिया। तो उसका जवाब सुनकर सिद्धार्थ हंसने लगा, क्या बात है, क्या तुम्हें जलन हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका ये जवाब सुनकर सिद्धार्थ धीरे से झुका और उसने कहा, तुम हमेशा ही मेरे लिए फर्स्ट रहोगी, इसलिए तुम्हें किसी के लिए इंतजार करने के लिए जरूरत नहीं है। इतना कहकर सिद्धार्थ ने निया की कमर पकड़ लिया और उसे अपने साथ कार के पास ले गया। सिद्धार्थ ने गाड़ी का दरवाजा खोला और निया को अंदर बैठने का इशारा किया। साइड में खड़ी हुई यंग लड़की बस उन दोनों को देखते रही। वह दोनों बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। एक हैंडसम आदमी और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि डायरेक्ट किसी खूबसूरत पेंटिंग से बाहर आ गए हो और उस पल पर से कोई भी अपनी नजर नहीं हटा सकता था। दरवाजा बंद करने के बाद सिद्धार्थ मुड़ा और उसने कहा, प्लीज साइड हो जाए। सिद्धार्थ की आवाज सुनकर वह लड़की वापस अपने होश में आई और दो कदम पीछे हट गई। सिद्धार्थ ने दोबारा उसकी तरफ एक नजर देखा भी नहीं और दूसरी साइड जाकर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसकी बातों में या उसके मूवमेंट में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद निया साइड मिरर से उस लड़की की छोटी होती हुई परछाई को देख रही थी। उसने नोटिस किया कि गाड़ी दूर जाने के बावजूद भी वह लड़की अभी भी उसी जगह पर खड़ी है। फाइनली निया ने सिद्धार्थ की तरफ देखा और कहा, वह अपसेट लग रही थी। सिद्धार्थ ने कहा, वह कैसे हो सकती है, उसके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं थी, वह बस मुझसे अट्रैक्ट हो गई थी। हाँ, यही तो था। सिद्धार्थ की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए निया को ऐसे लगने लगा कि वह उस टाइम में पहुंच गई है जब वह पहली बार मिले थे। भले ही सिद्धार्थ का उसके अलावा किसी और लड़की से बात ना करना उसे अंदर ही अंदर खुशी दे रहा था, लेकिन फिर भी उसने कहा, सिद्धार्थ उस लड़की ने कितनी हिम्मत इकट्ठा करके तुमसे नंबर मांगा होगा, लेकिन तुमने एक नजर उसे देखा भी नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं, तुम कितने बुरे हो। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या बात है, क्या तुम खुश नहीं हो जिस तरह मैंने उससे दिल किया? निया ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, नहीं बता रही थी। निया, तुम्हें एहसास हुआ कि तुम क्या बोल रही हो? वह मुझसे मेरा कांटेक्ट नंबर मांग रही थी, उस वक्त तुम्हें आगे आकर यह कहना चाहिए था कि मैं तुम्हारा हूँ, लेकिन तुम तो दूर खड़े होकर ऐसे देख रही थी जैसे तुम्हें कोई मजेदार शो देखने वाला हो। आखिर में मुझे ही सब मामला संभालना पड़ा, लेकिन मामला खत्म होने के बाद भी तुम्हें थोड़ी सी भी जलन नहीं है? तुम्हें थोड़ा तो मुझसे झगड़ना चाहिए कि मैं दूसरी लड़की से कैसे बात कर सकता हूँ, सिद्धार्थ ने उससे पूछा। निया ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, हम सभी लड़कियां हैं तो हम एक दूसरे के लिए मुसीबतें क्यों खड़ी करें? तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है ना, और उसके अलावा पॉइंट यह है कि तुम मुझसे दूर जाने वाले हो। मेरे आसपास होते हुए भी टीना हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे घूमती है, लेकिन फिर भी तो तुम मेरे साथ हो ना, निया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। भले ही उसकी आंखें शांत थी, लेकिन उसमें कुछ अलग ही जवाब दे। सिद्धार्थ तो उसकी बात का कोई जवाब देना ही वाला था। उससे पहले ही निया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और उसके अलावा जहाँ तक बात है मर्दों की, तो अगर रिलेशनशिप एक के साथ अच्छा नहीं रहा तो कोई दूसरा मिल जाएगा। सच्चाई तो यही है कि दूसरा बेटर हो सकता है। निया की आंखें चमक रही थी और उसकी आंखों से साफ पता चल गया था कि वह सिद्धार्थ को चिढ़ा रही है। अब सिद्धार्थ के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। आज के लिए बस इतना ही, आगे क्या होगा जान के लिए सुनिए स्टोरी का अगला एपिसोड। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।